एंड गुड इवनिंग एवरीवन। याद है जब हम छोटे थे तो अक्सर हम एक गलती क्या करते थे, वो क्या गलती थी कि हम लेफ्ट साइड के स्लीपर को राइट साइड पहनते थे, राइट साइड के स्लीपर को हम लेफ्ट साइड में पहनते थे। यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं था कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। तो अभी मैं छोटे छोटे से आइडियाज़ दूंगी हाउ वी कैन जस्टिफाई टू द किड्स दैट विच वन इज़ राइट साइड एंड विच वन इज़ लेफ्ट साइड। क्योंकि अगर हम बच्चों को अपने साइड से बताएंगे तो जो हमारा लेफ्ट साइड होगा उनको राइट दिखाई देगा और उनका राइट होगा वो मुझे लेफ्ट दिखाई देगा। करेक्ट, सबके पास ऐसे मार्कर्स होते हैं ना। तो उन मार्कर्स की हेल्प से सभी लोग बच्चों के फॉर्म पे एक पे एल और एक पे आर लिख सकते हैं। यानी कि लेफ्ट साइड में एल लिख दीजिए और राइट साइड में आर लिख दीजिए। और ऐसे मार्कर्स यूज़ करिएगा जो हैंड वॉश करने पे वॉशेबल हो, परमानेंट मार्कर को मत यूज़ करिएगा अदरवाइज फॉर्म गंदा हो जाएगा बच्चे का। तो एक तो ये तरीका है बच्चे को लेफ्ट एंड राइट बताने का। एंड सेकेंड चीज़ है कि जो बच्चों के स्लीपर्स होते हैं ना उस पर भी हम लेफ्ट और राइट लिख सकते हैं बच्चे को, सो दैट कि बच्चा इजीली सीख पाएगा लेफ्ट साइड है ये और ये राइट साइड है। बच्चे को उससे पहले आपको ये जो आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं एल और आर इसका मतलब बताना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट। करेक्ट, एक और टिप्स है किसी भी स्टिकर को बीच से काट लीजिए, ठीक है। आधा एक लेफ्ट साइड के स्लीपर पे लगा दीजिए और आधा राइट साइड के स्लीपर पे लगा दीजिए। बच्चा जब पहनेगा तो उसको बताइए कि पहनने से पहले वो दोनों जो स्टिकर्स आपने जो पेस्ट किए हुए हैं स्लीपर के ऊपर उन दोनों को मैच कराए, देखे कि वो दोनों एक जैसे हो रहे हैं नहीं। सपोज़ आपने बॉल लिया है और बॉल को हाफ ऑफ कर दिया है, आधा एक स्लीपर पे लगाया और आधा दूसरे स्लीपर पे लगाया है, तो जब बच्चे को सिखाइए कि वो दोनों स्लीपर को साथ में रखे और देखिए पूरी बॉल कंप्लीट हो रही है या फिर जो भी आर्टिकल आपने स्टिकर लिया है उस पे बना है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा पिक्चर, तो इसके अकॉर्डिंग वो लेफ्ट और राइट को सीखेगा। चलिए ये तो हो गया कि हम ये मानते हैं कि बच्चे को यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बच्चे ने हाथ पे लिखने से उसको बताने से साइड कि हाँ नहीं ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। स्लीपर से भी एक उसको मिल सकता है एक आइडिया, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। और घर में एक छोटी छोटी एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक आप दो बास्केट सबके घर में होती है बास्केट ले लीजिए, जब आपके घर में वेजिटेबल्स आते हैं ठीक है अनियन आया पोटैटोज आए और अदर वेजिटेबल्स आते हैं तो बच्चे को उस बास्केट में बोलिए कि आपको पोटैटोज सारे लेफ्ट साइड की बास्केट में रखने हैं और राइट साइड की बास्केट में आपको अनियन रखने हैं। जस्ट बिफोर डूइंग दिस एक्टिविटी उस बास्केट के ऊपर भी आप सिंबल लगा सकते हैं लेफ्ट और राइट का, तो बच्चा लेफ्ट और राइट में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक गेम भी खेल सकते हैं आप बच्चे के साथ में, तीन चार बॉल्स ले लीजिए ठीक है और दो बॉल्स जो है राइट साइड रख दीजिए और दो बॉल्स जो है लेफ्ट साइड रख दीजिए ठीक। और स्पेसिफिक मत कीजिए कि लेफ्ट साइड के जो बॉल है उसमें पर्टिकुलर यही चीज़ डालनी है, राइट साइड का जो बॉल है उसमें पर्टिकुलर यही चीज़ डालनी है, नहीं आप मिक्स करके देखिए। कभी आप उसमें आप बच्चे को आपको बताना पड़ेगा, फिर बच्चे को दोबारा जो पहली बार तो आप बच्चे को मतलब जो आपने बॉल्स यूज़ किए हुए हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए उसमें सामान रखने को बोलिए और सेकेंडली उसमें से बच्चे को लाने के लिए बोलिए लेफ्ट साइड के बॉल्स में से या राइट साइड के बॉल में से। बच्चे को छोटे जब घर में भी आप काम करवा रहे हैं तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स पे आप स्टिकर्स छोटे छोटे से लगा सकते हैं जो लेफ्ट साइड में रखे होंगे लेफ्ट का आयल और राइट साइड में रखे होंगे तो आर। करेक्ट, तो बच्चे से आप मान सकते हैं बेटा चाहिए जो लेफ्ट साइड में जो सामान रखा हुआ है वहाँ से सामान, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए है लेफ्ट साइड के बास्केट में से, ये मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए है वो राइट साइड के बास्केट में से है। बहुत छोटा सा आइडिया बट बहुत इफ़ेक्टिव है, बच्चों को हम बहुत ईजिली ये सिखा सकते हैं लेफ्ट और राइट में डिफरेंस क्या होता है। बिकॉज अल्टीमेटली रोड पर चलना तो हमें लेफ्ट जब चलना है तो हमें लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ हम ट्रैफिक रूल भी सिखा सकते हैं।